हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मार्जिन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग पे बेस्ड है। इस वीडियो में अपने थॉट शेयर करूंगा मार्जिन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो पॉपुलर हो रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो ऐसी सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप 10x, 20x या इवन 100x तक का लेवरेज ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज़ का क्रिप्टो है और आप गए किसी एक्सचेंज पे, लेट्स से बाइनेंस पे, बाइनेंस पे आपने 10,000 रुपीज़ जमा करवा दिया और आपने 10x का मार्जिन लिया, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ का आप माल खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको कि यार मेरे पास तो 10,000 ही है और मैं 1,00,000 का गेम खेल रहा हूँ, जेब में 10,000 है और 1,00,000 का मेरा जो है वो ट्रेड है। ह्यूमन नेचर है, काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है और आपको लगता है यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और होता क्या है, वो 1,00,000 रुपीज़ का आपने कोई भी ऑल्ट कॉइन या कोई भी कॉइन खरीद लिया, वो एकदम से 10% जो है वो इंक्रीज़ करता है। जैसे ही वो 10% इंक्रीज़ करता है, आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल पैसा है वो 10,000 ही है और इधर 1,00,000 का 10% का मतलब 10,000, यानी कि 10,000 पे 10,000 का प्रॉफिट, 100% का प्रॉफिट इन जस्ट वन डे। आप सोचते हो यार इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। मेरे जैसे लोग, मैं YouTube पे रोज चिल्लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, यार आप अच्छे कॉइन लो, होल्ड करो, या और भी बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हैं BTC ले लो, ईथर ले लो, टेजोज ले लो, चाहे EOS ले लो, इस तरह के बड़े कॉइन्स लो, 1-2 साल वेट करो, आपको 100-500% का रिटर्न मिलेगा। आप कहते हो यार ये लोग तो बेवकूफ़ है, मैंने तो 10,000 लगाए और 10,000 मेरे को मिल गए, इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं, और आप और रिस्क लेते हो और लेवरेज करते हो। अब इसमें खामी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर होता क्या है, आपने 10,000 रुपीज़ जमा करा दिया, बाइनेंस ने अपने पास वो 10,000 रख लिया, आप बाइनेंस को कोई मतलब नहीं है, आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हो या लॉस ले रहे हो, उसके पास 10,000 समझ लो एज अ कोलेट्रल है। अगर वो आपका जो ट्रेड है, आपने 1,00,000 का माल खरीद लिया, वो 10% एकदम से डाउन आ जाता है, वो लिक्विडेट करके अपने 10,000 रुपीज़ ले लेगा, उसके जेब से कुछ नहीं गया, आपका कैपिटल हो गया ज़ीरो। आप कहते हो यार मैं तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है, मेरा लॉस जो है वो बच जाएगा। आप क्या करते हो, 1,00,000 का माल खरीदते हो, 2% का स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस आपका हिट मारता है, हिट मारते ही आपके 2,000 रुपीज़ गायब हो जाते हैं, यानी कि 10,000 का आपका बच गया 8,000। दोबारा आप करते हो, फिर से 2% आपका गायब हो जाता है। ऐसे करते करते 2-4-5 बार स्टॉप लॉस लगा, आपका कैपिटल हो गया स्वाहा। अब आप कहते हो यार ऐसा थोड़ी होता है, प्रॉफिट भी तो होता ही होगा। आप कहते हो नहीं मैं गेम खेलूंगा, इसके अंदर प्रॉफिट डबल और लॉस उसका आधा, यानी कि मैंने 1,00,000 का माल लिया, 1,00,000 का माल लेने के बाद मैं ऊपर 10% पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग लगाई और 5% पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। यानी कि अगर आपको एक बार मुनाफा होता है, अगर एक बार आपका प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर जाता है, उस केस में आप 2 स्टॉप लॉस झेलने के कंडीशन में आ जाते हो, यानी कि 10% का प्रॉफिट और 5-5% का 2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो। आप कहते हो यार इस स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, इसी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आप ऐसे करते हो, कई बार आपको 10-10% का प्रॉफिट भी होता है ऊपर, और कई बार 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस भी लगता है, आप मतलब उसी रेंज में घूम रहे हो, आप 5% 2% आप कर रहे हो। होता क्या है, एक दिन ऐसा आएगा जब फ्लैश क्रैश होता है, जब मैनिपुलेशन होता है, जब लिक्विडेशन होता है, क्योंकि इधर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। इवन स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेट से आपने 1,000 रुपये का शेयर ले लिया, 10% नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया 900 पे। उस केस में होता क्या है, कभी कभी जब फ्लैश क्रैश होता है तो 900 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करता, ऑल द वे डाउन आ जाता है, जो 10% या 15-20% नीचे आके फिर आपका ऑर्डर वो जो है वो ट्रिगर करता है। तो इधर भी वैसा ही होता है। आपने क्या किया, 2-3 महीने आपने ट्रेडिंग करी और इसी स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कि फ़ायदा हो तो 10% का, लॉस हो तो 5% का, आपने ऐसे कर करके 3-4 आपके अच्छे ट्रेड निकल गए, 1-2 आपके लॉस हो गए, आप मोटा मोटा मतलब आप अभी 5-10% के प्रॉफिट पे हो, या लेट से आप 100% प्रॉफिट पे, यानी कि 10% का प्रॉफिट का मतलब आपको 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब होता क्या है, आपने 2% का लेट से स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने 10,000 का माल, 10,000 का आपके पास कैपिटल, आपने 1,00,000 का माल खरीद लिया और 2% का स्टॉप लॉस लगा दिया,
यानी कि अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपके 2000 जाएंगे, लेकिन अगर फ्लैश क्रैश होता है उस केस में सीधे अगर 10% जितना आपका मतलब कैपिटल है टोटल वो लिक्विडेट हो जाएगा। यानी कि अगर नीचे उस 2% पे ऑर्डर ट्रिगर नहीं करेगा और नीचे 10% पे जाकर ट्रिगर करेगा तो सारा का सारा कैपिटल आपका जीरो। यानी कि आपने जो भी कमाया एक महीने या दो महीने में मतलब धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बना के, वो एक ट्रेड में आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म। तो फ्रेंड्स, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, और जब से मैं मार्केट में हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गया स्टॉक और क्रिप्टो करते हुए, मैंने ऐसा कोई एक बंदा नहीं देखा जिसने एक साइजेबल वेल्थ क्रिएट किया हो विद मार्जिन ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। किसी दिन आपने 2% कमाया, किसी दिन और 2% कमाया, यानी कि आपने 4% कमाया, और अगले दिन आपने 6% का नुकसान कर लिया, यानी कि 2% जेब से आपने दे दिया। यही होता है और आपका टाइम वेस्ट होता है, और टाइम से प्रीशियस और कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ पैसे से भी प्रीशियस टाइम होता है। अगर आप उस टाइम को सही मायने में यूटिलाइज करो तो यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। कई ऐसे लोग हैं डे ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन, यानी कि कैश में। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार मैं कैश में कर रहा हूँ, मार्जिन ले रहा हूँ तो रिस्क कम है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। मतलब रोज उनको कोई ना कोई एक नया ट्रेड चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपका कैपिटल पूरा का पूरा जीरो होने के चांसेस होते हैं। आपके पास 10,000 रुपीज़ का क्रिप्टो है, आपने कैश में उसको बाई कर लिया, आपने 10% का स्टॉप लॉस रखा, 20% का टारगेट रखा, पता चला 5, 6, 7 ऐसे करके 10 स्टॉप लॉस लग गए और आपका कैपिटल हो गया जीरो। हो सकता है एक बार आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए और आपको लालच आ जाए, आप कह रहे हो यार इसमें 20% को एक आज एक और ट्रेड मारता हूँ। यानी कि आपने लेट से बाइनेंस पे कोई कॉइन खरीद लिया, लेट से फैंटम ले लिया, फैंटम 10% बढ़ता है, आपने 10% पे प्रॉफिट बुकिंग लगा दिया, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का जो भी 10% है आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया लेट से 1,000 रुपीज़ का, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़। आपने कहा यार मेरे को तो अभी प्रॉफिट हो गया, आज दिन मेरा बहुत अच्छा है, एक और ट्रेड मारता हूँ। आपने अगला ट्रेड मारा, अगले ट्रेड में आपको सीधे 20% का लॉस हो गया, यानी कि जो 10% आपने कमाया वो तो गए, 10% घर से भी गए, स्टॉप लॉस आपका हिट कर चुका है। आपने सोचा अगली स्ट्रैटेजी मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ, 10% का नीचे स्टॉप लॉस रख के और ऊपर मैं टारगेट लेता हूँ, ऊपर का गया नहीं नीचे का आ गया, यानी कि आपके जो आपने कमाया वो भी गया और जो स्टॉप लॉस था वो घर से भी गया। यानी कि इन नटशेल ये सारी चीज़ें गलत है। आप ओवर ट्रेड करते हो, आप रोज ट्रेडिंग करो, डे ट्रेडिंग करो, मार्जिन ट्रेडिंग करो, आप कैलकुलेट करना। लेट से आपने स्टार्ट किया अगस्त में, आज आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी अगस्त में, ट्रेडिंग करना, मार्जिन ट्रेडिंग करना, जो भी ये तामझाम है आपने करना शुरू किया, 6 महीने बाद आप एनालाइज करना कि आप कहाँ खड़े हो, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट भी किया है तो साइजेबल प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। एक वेल्थ क्रिएशन होता है इन्वेस्टमेंट में, ना कि ट्रेडिंग में, ना कि गैम्बलिंग में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे थॉट्स। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप फंडामेंटली रिसर्च करो प्रोजेक्ट पे। अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट का फंडामेंटल काफ़ी साउंड है और अगर ये नीचे जाता भी है तो ऊपर आ सकता है, तो इस तरह का कोई न्यूज़ आता है उस कॉइन में, लेट से फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और किसी एक तरह का कोई न्यूज़ आ गया कि किसी एक्सचेंज पे हैक हो गया, लेट से आपके पास कोई एक्सचेंज का ही कॉइन है और काफ़ी अच्छा है, और आपको एक न्यूज़ आ गई कि यार ये कॉइन हैक कर गया और एकदम से 30% वो डाउन आए और आपको लग रहा है फंडामेंटल अच्छा, तो उस टाइम आप उसको बाई कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि कब फिर से टाइम अच्छा हो तो आप उसको सेल कर सकते हो। उसको हम कभी कभी स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपको देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको डे ट्रेड करना हो। तो इस तरह से आप रिसर्च करके चाहो तो स्विंग ट्रेड कर सकते हो, यानी कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 मंथ्स इतना टाइम फ्रेम लेके फंडामेंटली अच्छे क्रिप्टो में आप चाहो तो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा थॉट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।